एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेमा मेहरा पे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों को मलेरिया से कैसे बचाएं, और अगर बच्चों को मलेरिया हो गया है तो कैसे हम पहचाने, क्या उसके लक्षण होते हैं जिससे कि हमको तुरंत पहचान के डॉक्टर के पास जाना है या फिर घरेलू तरीके से हमको उसको ठीक करना है। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। जैसे कि सभी को पता है मानसून शुरू हो गया है, बारिश का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा मच्छर इस टाइम पर बढ़ जाएंगे क्योंकि मच्छर जो है अपने अंडे पानी में ही देते हैं, तो इस टाइम पे मच्छरों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमको बच्चों की एक्स्ट्रा केयर रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर काफ़ी कमज़ोर होती है, कोई भी वायरस या फिर कोई भी चीज़ उनको जल्दी अटैक करती है बड़ों के बजाय, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी मैच्योर नहीं हुई होती है। तो हमको एक्स्ट्रा क्या क्या ध्यान रखना है, और हमको अगर बच्चे को मलेरिया हो गया है तो उसके लक्षणों को कैसे पहचानना है जिससे कि हम समय रहते डॉक्टर के पास उसका ट्रीटमेंट करवा सकें, और उसे हम और मच्छरों से हम कैसे बच्चों को बचा सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। अगर बच्चे को मलेरिया हो गया है तो इसके लक्षण क्या होंगे? बच्चे को क्या होगा कि बुखार आएगा, कपकपी के साथ बुखार आएगा, ठंड लग के उसको बुखार आएगा। दूसरा क्या होगा कि बच्चा काफ़ी सुस्त हो जाएगा, काफ़ी ढीला हो जाएगा, काफ़ी थकान उसको लगेगी, प्लस बच्चा वॉमिटिंग कर सकता है। इसके अलावा बच्चा लूज़ मोशन उसको लग सकते हैं, डायरिया उसको हो सकता है, और उसके पेट में भी दर्द हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम मलेरिया से बच्चे को लक्षण दिखाई देते हैं। अलावा बच्चा अपने शरीर में भी दर्द बता सकता है, काफ़ी हमेशा बच्चा इतना चुस्त सुस्त रहेगा। तो ये सारे लक्षण मलेरिया के दिख रहे हैं। अगर ये सारे लक्षण बच्चे में दिख रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से जांच करवानी है और उचित जो ट्रीटमेंट है वो लेना है। अब हम बात करेंगे कि मलेरिया से बच्चों को कैसे बचाएं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि घर की साफ सफाई का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कूलर हो गया या फिर कहीं पर भी ऐसी जगह हो, गमले हो, ऐसा नहीं करना है कि आपको वहाँ पर कई लंबे समय तक पानी जमा होने दे रहे हैं, या फिर कोई बर्तन है उसमें आप लंबे समय तक पानी रख के रख रहे हैं। घर के बाहर हो या फिर कहीं भी हो, आपको पानी इकट्ठा करके कहीं पे भी नहीं रखना है। आपको ध्यान रखना है कि उस पानी को आपको सुखा देना है, नहीं तो क्या होता है कि जो मादा मच्छर है वहाँ पे अपने अंडे दे देती है और मच्छर काफ़ी मल्टीपल हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आसपास नमी ना हो ज़्यादा। नमी का अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, इवन आपको भी अपना ध्यान रखना है, आपको घर में नमी नहीं रखनी है। घर के बाहर हो गया, बालकनी में हो गया, आपको नमी ज़्यादा नहीं रखनी है। घर के कूलरों को साफ करते रहना है, हफ्ते हफ्ते में उसका पानी चेंज करना है ताकि मच्छर उसमें अपना अंडा जो है बच्चे ना बन पाए, अंडा वहाँ पे वो ना दे पाए। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। दूसरा, बच्चे की बात करें तो बच्चे को आपको बिल्कुल सूती और फुल आस्तीन के कपड़े ही पहनाने हैं। कहीं भी ले जा रहे हों, आप बच्चे को वॉक करने ले जा रहे हों या फिर खिला रहे हों बच्चे को, आपको हमेशा फुल आस्तीन के कॉटन के कपड़े पहनाने हैं क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी चिपचिपी गर्मी भी हो रही है, प्लस मानसून भी है, तो बच्चे को काफ़ी जो है अनकंफर्टेबल होगा। तो आपको सूती कपड़े, फुल आस्तीन के कपड़े पहनाने हैं, इस बात का खास ध्यान रखना है। आपको हाफ कपड़े नहीं पहनाने हैं, पैजामा भी आपको फुल पहनाना है ताकि मच्छर बाइट ना कर पाए। दूसरा, आपको खास ध्यान रखना है कि जो मच्छरों से बचने वाली क्रीम होती हैं वो आपको ज़रूर अप्लाई करना है। अगर बच्चे को वॉक करने ले जा रहे हैं या फिर बच्चा कहीं खुले में खेल रहा है तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो क्रीम है वो पहले से अप्लाई करनी है, उसके बाद आपको सूती कॉटन के फुल आस्तीन वाले कपड़े ही पहनाने हैं। उसके बाद ध्यान रखना है कि बच्चा ऐसी जगह पे ना खेले जहाँ पे नमी है, जहाँ पे पानी जमा हुआ है। अब लास्टली हम बात करेंगे कि बच्चे को मलेरिया हो गया है तो हमको घर पे किस तरह से ध्यान रखना है। जैसे बच्चे को कपकपी के साथ बुखार आता है, काफ़ी तेज़ बुखार आता है, तो आपको जो ठंडी पट्टी है वो देनी है। ज़्यादा ठंडी ना दें ताकि बच्चे को ऐसा ना हो कि ज़्यादा ठंडा लग जाए, इतना ठंडा दें कि बच्चा सहन कर ले। ज़्यादा छोटा बच्चा है तो ठंडी पट्टी ना दें, जो नॉर्मल वाटर वाला पानी होता है उस पर आप कपड़े को भिगा के उसकी पट्टी करें। आप बिल्कुल फ्रिज वाला पानी बच्चे को उससे पट्टी ना करें। दूसरा क्या होता है कि बच्चे को खाने में लिक्विड ज़्यादा दें क्योंकि बच्चे को मलेरिया
की वजह से उल्टियाँ हो सकती हैं, उसको लूज मोशन पेचिस हो सकती हैं, तो बच्चे को जो है फ्लूइड इंटेक ज़्यादा उसका बढ़ाएं, जैसे नींबू पानी हो गया और नारियल पानी हो गया, ये सारी चीज़ें बच्चे को ज़्यादा दें। जो रसीली चीज़ें होती हैं, फ्रूट हो गई, सब्जी हो गई, वो ज़्यादा बच्चे को दें, ताकि जो भी टॉक्सिन है वो भी फ्लैश आउट हो सके और बच्चा जो है काफ़ी चुस्त फील कर रहा था वो भी जो है जल्दी से रिपेयर हो उसकी बॉडी, और जो भी टॉक्सिन है वो भी निकले। प्लस बच्चे का क्या होता है कि उल्टी हो जाती है, लूज मोशन हो जाती है, जो भी खाया पिया है वो निकल जाता है, जिससे बच्चा और भी कमज़ोर होता चला जाता है। सूप वगैरह ज़्यादा दें, इम्यूनिटी बूस्टर वाली चीज़ें ज़्यादा दें, जैसे नींबू हो गया, संतरा, आंवला हो गया, ये सारी चीज़ें जो विटामिन सी वाली चीज़ें होती हैं, ये हमको रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में प्रदान करती हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चे को दें, जिससे कि बच्चों की इम्यूनिटी पावर मजबूत हो। ग्लूकोन डी दे सकते हैं आप, नींबू डाल के शिकंजी बच्चे को दे सकते हैं, ताकि बच्चे को जो इम्यूनिटी है वो उसकी बूस्ट हो। सो आई होप इस वीडियो ने हेल्प किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी पेरेंट्स को हेल्प हो। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल टॉपिक हम हमेशा अपने चैनल पर लेके आते हैं। और भी कोई सवाल है आपके मन में तो नीचे हमें कॉमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और कॉमेंट जरूर करें आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लाइक और आपके कॉमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले ऐसे ही हेल्पफुल टॉपिक अपने चैनल पे डेली लाने के लिए। और भी कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे हमें कमेंट करें, हम उस पे वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।